नथिंग विल गोइंग ऑन रिकॉर्ड, ओनली मोमेंट दिस विल कम अगेन। मोहतरमा स्पीकर साहिबा, आपने मुझे मॉब लिंचिंग जैसे अहम टॉपिक पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इज्जत मॉब, मैं आपके माध्यम से वजीर आजम मोदी जी की खिदमत में शुरू में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे चौथे खलीफा हजरत अली ने एक बात कही थी कि इस कायनात को पैदा करने वाले की नाफरमानी करने वाली हुकूमत चल सकती है, लेकिन जुल्म सितम पर आग बंद करने वाली हुकूमत नहीं चल सकती। इज्जत मॉब, हमारे वजीर आजम बबांग दोहल ये दावा करते रहे हैं कि वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के वजीर आजम हैं, उनके सीने में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का दर्द है, मगर उनके कौल और फेल में तदाद नज़र आता है, उनकी कहनी और करनी में फ़र्क महसूस होता है। आज पूरे मुल्क में दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों और कमज़ोर तबकों को तशद्दुद और क़त्ल व ग़ारतगरी का निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ समाज दुश्मन, अनासिर और तखरीबकारों के हौसले बुलंद हैं, वो ये मान कर चल रहे हैं कि वो जिसे चाहें ज़दोकोब करें, जिसे चाहें मार डालें, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो खुलेआम मुल्क के आइन और आइनी अकदार की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, यहाँ की जमहूरियत और जमहूरी कदरों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मुश्तइल हुजूम और बेहंगम भीड़ कानून को अपने हाथ में लिए हुए आमादे कत्ल गारतगरी है। अखलाक से लेकर जुनेद तक दर्जनों बेकसूरों को खूनी हुजूम के जरिए पीट पीट कर कत्ल किया जा चुका है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क अदम तहम्मुल और सख्त गिरीत की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, तासुब गहराता जा रहा है और आईन हिंद की कसम खाने वाली मोदी सरकार मंजर आम से गायब है। वो न सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है बल्कि वो बेबस नजर आ रही है। इज्जत मॉब, मुल्क भर में जारी बेगुनाहों की मारपीट और खुरेजी पर अपनी साख की खातिर हमारे वजीर आजम कभी कुछ मुबहम और गैर वाज बयान देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी निभा देते हैं, वो भी रस्मी तौर पर, जिसमें नेक नीति का शदीद फुकदान नजर आता है। खुद उनके काबीना के वजीर कभी कभी अपने आइनी हलबरदारी का भी पास न रखते हुए ऐसे इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं जिनसे शरपसंद अनासिर के हौसले मजीद बुलंद हो जाते हैं। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी सिर्फ बयान देने की नहीं बल्कि उनकी असल जिम्मेदारी उन समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की है। वज़ीर आज़म की हैसियत से वो अगर एक तरफ रियासत हुकूमतों को हिदायत देते कि गाय के नाम पर बेगुनाह इंसानों को मार धाड़ करने वालों को सजा दी जाए, और दूसरी तरफ बीजेपी के असरदार लीडर होने की हैसियत से शरपसंद अफराद और झूठे गौरक्षकों को वार्निंग देते और उन्हें अपनी सरगर्मियाँ रोकने का हुक्म देते, तो शायद इतनी कत्ल गारतगरी न होती। गौरक्षा के नाम से खूनी हजूम के जरिए मारपीट और कत्ल के वाकयात पर मोदी सरकार के अब तक के तर्ज अमल से जाहिर होता है कि वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसे बस ला एंड आर्डर के एक मसले के तौर पर देख रही है, जबकि हकीकत यह है कि ये वाकयात उस इंतहा पसंदाना जहनीत का नतीजा है जो न सिर्फ मुल्क की हम आहंगी बल्कि आइनी बरतरी के लिए भी सख्त नुकसान से साबित है। इज्जत मॉब, मुल्क के मौजूदा हालात में ऐसे लोग जिनके सर पर टोपी है और जिनके चेहरे पर दाढ़ी है कहीं निकलते हुए घबराते हैं। आज बुरका वाली माँ बहनें बाहर निकलते हुए डरताती हैं, ट्रेनों में बसों में ये शरपसंद चढ़ते हैं और टोपी वालों और बुरका वालियों पर जुमले कसते हैं, कोई जवाब देते तो उस पर टूट पड़ते हैं। अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही शहरियों के साथ ये कैसा सलूक हो रहा है, ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में कानून इंतजाम, इंसाफ और रवादारी और अमन एहतराम जैसी कोई चीज बाकी नहीं रही। इस अजीम मैं आपके माध्यम से आपके जरिए से वजीर आजम से मुतालबा कर रहा हूँ कि आप मुताबिक इस खौफनाक सूरत हाल को तब्दील करने के लिए मजबूत और मौसर कदम उठाइए। इस अजीम मुल्क को दुनिया में बदनाम न होने दीजिए। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को तबाही से बचा लीजिए। यहाँ की रवादारी, भाईचारा और बकाए बाहमी की कदीम रवायत को तबाह करने वाले अनासिर को कानून के शिकंजे में लाइए और 2014 से 2017 तक खूनी हजूम के जरिए कत्ल और गारतगरी के जितने वाकयात हुए हैं उनमें मुजरिमीन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है हाउस के फ्लोर पर लाइए। इज्जत मॉब, मैं मुल्क के वो तमाम शहरी जिनका सेकुलरिज्म और जमहूरियत पर यकीन है,
جو ہندوستانی آئین سے گہری عقیدت رکھتے ہیں جو آزادی انصاف اور مساوات کے علم بردار ہیں وہ ملک میں امن و انتظام کی موجودہ بگڑی ہوئی صورتحال سے سخت بے چین اور رنجیدہ ہے ان کے یہ دکھ ستا رہا ہے کہ گاندھی کا ہندوستان آخر کس راستے پر جا رہا ہے کیا اسی ہندوستان کا خواب آزادی کے متوالوں نے دیکھا تھا ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں اگرچہ ملک کے سبھی طبقات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا لیکن مسلمانوں نے جس جوش اور جذبہ کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی اس کی مثال نہیں ملتی آج جب اسی آزاد ہندوستان میں دلیتوں آدیواسیوں مسلمانوں اور کمزور لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے تو اس افسوسناک صورت حال سے ملک کے سبھی انصاف پسند اور عوام پسند عوام بہت دکھی اور سخت نالا ہیں بلا شبہ ملک کا ضمیر ابھی زندہ ہے محبت کو نفرت پر آج بھی غلبہ حاصل ہے اور یہ بات ڈنگے کی چوٹ کہی جا سکتی ہے کہ گھنی رات ہو نفرتوں کی بھی جتنی محبت کے جگنو چمکتے رہیں گے بہت بہت شکریہ بھگوان مان